अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उन्हें नारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल। एंड टुडे द लेसन यूज ऑफ क्विक पार्ट इन एमएस वर्ड। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ बिना किसी ताखिर के। इंसर्ट टैब में हमारा लेसन है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट का इस्तेमाल क्यों होता है और कैसे किया जाता है आज हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलते लेसन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक पार्ट में पहला जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहां आपको रेडीमेड कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी एड्रेस, यहां से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। तो कैसे पिक करते हैं हम आपको समझाते हैं। यहां मैं कोई भी बुक लिख रहा हूं तो बुक का टाइटल लगा देते हैं शाहीन पब्लिक स्कूल फल। मैंने अपने स्कूल का नाम ही लगा दिया है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की मदद से शॉर्ट की मैंने यूज किया। और उसके बाद यहां मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूं रैंडमली, जो हमारा कमांड के हिसाब से हमको मिलता है बोल लेते हैं। इज कल्ट रेंट शिफ्ट स्मॉल ब्रैकेट ओवर स्टार्ट और ओवर, इंटर करने के बाद कंट्रोल ए कीजिए और थोड़ा सा इनको श्रिंक कर लेते हैं, जैसे आपको समझाने में हमें आसानी हो। और भी श्रिंक करना होगा जैसे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां से इसको फिर से बोल्ड करना होगा क्योंकि मैंने कंट्रोल ए किया था, इसकी वजह से सारा का सारा डेटा सिलेक्ट होने के बाद कंटिन्यूसली श्रिंक हो गया। ये हमारा टाइटल हो गया किसी भी बुक का। उसके बाद अगर हमको यहां पर ऑथर लगाना है यानी बुक का राइटर कौन है, तो हमें इंसर्ट पे जाना होगा और उसके बाद क्विक पार्ट पर, और हमें रेडीमेड ऑथर चाहिए लिखा हुआ, यानी पैटर्न चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो हम यहां से उठा सकते हैं। ऊपर ऑथर लिखा हुआ है और नीचे रेडीमेड मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये जो विंडो मैंने की हुई है उसमें मैंने अपना खुद का नाम लिखा हुआ है, जिस वजह से जैसे ही मैंने एंटर किया ऑथर तो विंडो ने मेरा ही नाम यहां इंसर्ट कर दिया। ये तो था फर्स्ट यूज ऑफ क्विक पार्ट। उसके बाद चलते हैं दूसरा यूज देखते हैं फील्ड। यहां फील्ड लिखा हुआ है, फील्ड में क्या होगा भाई, सिलेक्शन कीजिए और यहां पर आइए और फील्ड को ओपन कीजिए। जैसे ही आप फील्ड को ओपन करेंगे तो यहां पर भी आपको ऑथर और बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। अगर आपको यहां पर यहां से कुछ भी लेना होगा तो आप उठा सकते हैं फील्ड से, टाइम उठा सकते हैं, डेट उठा सकते हैं, या जो भी चीज आप एंटर करना चाहें। फिर से आपको दिखाता चलूं क्विक पार्ट से फील्ड, जो भी चीज आपको उठानी है यहां से एंटर कीजिए। मैं डेट उठा लेता हूं कि मैंने ये लेटर किस डेट पे टाइप किया है, या एप्लीकेशन जो भी हो, या ये जो बुक है मैंने किस डेट पे टाइप किया है, किस डेट पे मैंने लिखा है। तो ये आपके सामने डे के साथ डेट आ चुकी है। ये हम यहां नहीं लगाते, जहां लगानी है वहां लगाकर आपको दिखाते हैं। बैक स्पेस लगाने के बाद अपने इंसर्शन पॉइंट को नीचे ले आओ, यहां लगाते हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो। फील्ड में जाने के बाद मुझे यहां से डेट उठानी है, तो डेट उसके बाद ओके कर दीजिए। ये आपके सामने डेट आ गई कि किस डेट पे हमने ये बुक कंपोज किए और लिखिए, आप डेट लगा सकते हैं। ये तो था सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको देखें बहुत सारी लिखी हुई चीजें रेडीमेड आपको यहां पर भी मिलेंगी। क्विक पार्ट का मतलब यानी आप कोई भी चीज जल्दी से एंटर करना चाहते हैं और रेडीमेड बनी हुई हो तो आप क्विक पार्ट से उठा सकते हैं, इसका असल मकसद ये होता है। तो यहां से जो भी चीज आप उठाना चाहें, आपको यहां शॉर्ट में नजर आ रहा होगा ये एक टेबल बनी हुई है, ये भी आप उठा सकते हैं। इंसर्ट कीजिए, आपको एक टेबल मिल गई रेडीमेड बनी हुई, यानी स्ट्रक्चर मिल गया। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मार्क्स लिख सकते हैं,
अपने सब्जेक्ट्स ऊपर लिखिए हेडिंग में, और यहाँ पर बच्चों के नाम लिखने के बाद यहाँ पर मार्क्स ऐड कर दीजिए, आपको टेबल मिल गई। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल इसका क्या है, इसे हम सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर लेते हैं। सेकंड, यहां आपको मैं इस्तेमाल समझाता हूं इसका, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर का। हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एन कर लेते हैं, यानी न्यू पेज उठा लेते हैं, और एक चीज आपको दिखाता हूं जो है वाटरमार्क। आप देख रहे हैं यहां, यहां पर चार वाटरमार्क बने हुए हैं, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी और डू नॉट कॉपी का। अगर मैं यहां अपना कोई भी और वाटरमार्क ऐड करना चाहूं तो यहां से नहीं हो सकता, यहां पर लिखा हुआ है कस्टम वाटरमार्क, यहां से आप लगा सकते हैं मगर रेडीमेड बना नहीं सकते, उसे बनाने के लिए आपको जाना होगा क्विक पार्ट पर। तो आ गए हम क्विक पार्ट पर, और क्या कर रहे हैं, यहां पर हमें अपना रेडीमेड बनाना है जो वाटरमार्क, उसे पहले लिखेंगे। तो क्या करते हैं, चलते हैं वर्ड आर्ट पर, और यहां पर मैं अपने स्कूल का नाम लिख लेता हूं क्योंकि मुझे अपने स्कूल के नाम से ही वाटरमार्क हमेशा चाहिए होता है किसी भी नोट्स पर लगाने के लिए। ये मैंने अपने स्कूल का नाम लिख लिया, लिखने के बाद ओके कीजिए और इसकी शेप को सीधा कर दीजिए। करने के बाद आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट रैपिंग पर जाना होगा, इसे इन फ्रंट कर दीजिए और इसे यहां ले आइए। इसे करने के बाद यहां से थोड़ा रोटेट कर लेते हैं जिस जगह हमको रखना है, ये आपको नजर आ रहा होगा मगर ये तो क्लियरली नजर आ रहा है। इसको क्या करना है, पहले मैं आपको समझाता चलूं, इसको थोड़ा सा डार्क करना है क्योंकि ये वाटरमार्क लगे, ये तो वॉश आउट हुआ हुआ है, यानी आपको ये तो बोल्ड ही नजर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको पढ़ने में दिक्कत पैदा होगी। तो हमें क्या करना है, फिर से इसे सिलेक्ट कीजिए और इसका कलर कर दीजिए धीमा सा डार्क, और इसका शेप ऑनलाइन भी डार्क। अब आपको ये वाटरमार्क लग रही होगी, ये देखें आपको वाटरमार्क अब लग रही है कि वाकई में भी वाटरमार्क लगी हुई है। अब हमें इसे एंटर कैसे करना है अपनी वाटरमार्क पर, जो हमें रेडीमेड चाहिए, अब क्लिक कीजिए यानी सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चले जाइए इंसर्ट पे और क्विक पार्ट पे, आप क्विक पार्ट पर आ गए, यहां पर लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, क्लिक कीजिए और यहां पर आप उसका नेम लगा सकते हैं कि आप किस नाम से लगाना चाहते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूं उस पर शाहीन वाटर मार्क, मैंने लिख दिया शाहीन वाटर मार्क, और अब यहां से गैलरी से हमें सामने जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस पर हमें सिलेक्शन करनी होगी वाटर मार्क की, यानी हमने वाटर मार्क बनाई है और ये ऑप्शन हमें वाटर मार्क में चाहिए पेज लेआउट में जहां पर दूसरी रेडीमेड वाटर मार्क्स बनी हुई है। तो क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहां ओके कर दीजिए और कंट्रोल एन कीजिए, यानी न्यू पेज, यहां आपको नजर आ रहा है न्यू पेज, और पेज लेआउट पर जाइए और वाटरमार्क ओपन कीजिए। ये देखिए भाई शाहीन वाटरमार्क शो हो रहा है, आपको इंसर्ट करके भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए शाहीन पब्लिक स्कूल फुल की वाटरमार्क लग गई। अब इसके ऊपर हम आपको टेक्स्ट भी लाकर दिखा सकते हैं, ये देखिए भाई शाइन की वाटरमार्क और उसके ऊपर टेक्स्ट, इसको कॉपी कीजिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये देखिए आपको वाटरमार्क अच्छी तरह से नजर आ रही होगी। इसे कहते हैं क्विक पॉट में वाटरमार्क एंटर करना। तो एक और भी चीज मैं आपको दिखाता चलूं क्विक पॉट में जो लास्ट होगी आपके लिए, तो क्या है, आपको अगर कोई ऐसी लाइन या ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको बार बार ऑफिस में यूज करते हुए चाहिए तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं, कॉपी करते हैं या बनाकर डेस्कटॉप पर रख देते हैं और वहां से कॉपी करते हैं। तो नहीं भाई, अगर ऑप्शन यही मौजूद है एमएस वर्ड में तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। क्या कीजिए, अगर मुझे बार बार अपने स्कूल की हेडिंग चाहिए यानी स्कूल का नाम,
शाहीन पब्लिक स्कूल फुल कंट्रोल ई सेंटर कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा कंट्रोल भी बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया मेरे स्कूल का नाम, जो मुझे बार बार नोट्स या पेपर्स या कुछ भी कंपोज करते वक्त चाहिए होता है तो मैं बार बार लिखता हूं, तो ये तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। इसके लिए क्या करना होगा, इसे हमारे क्विक पार्ट में इंटर करना होगा। इंसर्ट पे जाइए और क्विक पार्ट ओपन कीजिए और यहां पर लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी और ओके करने के बाद नाम दिला दीजिए। यहां पर बोल रहा है नाम लिखिए, नाम जो आप लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं स्कूल नेम या हेडिंग लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। HEADING हेडिंग और इसे ओके कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे और न्यू पेज पे आपको हेडिंग शो करके दिखाएंगे कोई पार्ट, और यहां पर आपको नजर आ रहा है हेडिंग लिखी हुई है, क्लिक कीजिए और आपकी हेडिंग आपके सामने। उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।